हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? सुबह के बज गए हैं 10 और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ मठे के आलू। तो आज मैं आप लोगों के साथ मठे के आलू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो सारा सामान मैंने रख लिया हुआ है और मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक पिंच हींग डाल दूँगी, उसके बाद जीरा डाल दूँगी और जीरा के बाद मैं डालूँगी हरी मिर्च। 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ले ली हुई थी और 2 हरी मिर्च मैंने खड़ी डाल दी हैं, मठे के आलू में बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है और मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो, आप कितनी खाते हो। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर और अब डाल दूँगी इसमें नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें ऐड कर दीजिए। तो मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आँच पर पकाना है। उसके बाद हमें आलू ऐड कर देना है और ये देख लीजिए, आलूओं को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसमें छाछ ऐड कर देंगे यानी कि मट्ठा। तो ये देख लीजिए मेरा फ्रेश मट्ठा है तो मैं उसको ऐड कर दूंगी और इसको लगातार चलाते रहना है, हमें बराबर चलाना है। यदि हम नहीं चलाएंगे तो जो हमारा छाछ है वो फट जाएगा तो मठे के आलू का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब आएगा। तो हमें लगातार चलाना है, जब तक इसमें उबाल ना आने लगे तब तक हमें बराबर इसको चलाते रहना है। और मठे के आलू मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक मैंने इसमें पहले मसाला ऐड कर दिया है और दूसरा मैं हींग और जीरे से इसको तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद जब ये उबाल आ जाता है उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और सुबह का टाइम है और नहा भी लिया है मैंने। यहाँ ये देख लीजिए खाने की प्रिपरेशन चल रही है और खाने में आज बना रही हूँ मैं मट्ठे के आलू और चावल भी बन गए हैं मेरे, ये देख लीजिए। और फिर बनाऊंगी रोटियाँ। तो गैस को लगातार चलाना होता है मट्ठे के आलू को, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक चलाना है। और नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे तो ये है तो ये फट जाएगा, इसलिए लगातार चलाना है। तो इसमें उबाल आ गया है ये देख लीजिए, तो मैं इसको अब छोड़ देती हूँ, अच्छे से इसको पकने देती हूँ। तो मैंने आप लोगों के साथ मठे के आलू की रेसिपी शेयर की हुई है आज, और हमारे यहाँ कैसे बनते हैं हमने आपको दिखाया हुआ है और आपके यहाँ कैसे बनते हैं ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो 2 तरह से बनाते हैं, मैंने इसमें मसाला पहले डाल दिया है। तो सबसे पहले ये बताइए मठे के आलू किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, वो भी चावल के साथ, इसलिए मैंने चावल बनाए हैं और अभ्या भी खा लेती हैं मठे के आलू से चावल। तो आज मैंने मठे के आलू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और मैं कैसे बनाती हूँ मैंने आपको दिखाया हुआ है, और आप लोग क्या कैसे बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए, तो ये देख लीजिए मठे के आलू मेरे बन गए हैं और अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरे धनिए की पत्ती। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मठे के आलू और बाजरा की रोटी से भी अच्छे लगते हैं, बट अभी बाजरा का आटा है नहीं तो आज मुझे साफ़ करना है बाजरा, उसमें लकड़ी वगैरह है, उसके बाद साफ़ करने के बाद पिसवाना है और देखूंगी पिस जाएगा आज, तो शाम को बनाऊंगी रोटियां। तो चलिए अभी आटा लगा लेते हैं गेहूँ का, रोटियाँ बना लेते हैं, मिलेंगे आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों ये देख लीजिए मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो मैं कर रही हूँ बाजरे को साफ
और इसमें लकड़ी सी है, ये देख लीजिए इसमें लकड़ी है छोटी छोटी सी, तो इनको मैं हटा रही हूँ और उसके बाद मैं साफ करने के बाद इसको पिसवाऊंगी। तो काफी टाइम से बाजरे का आटा था वो खत्म हो गया था और मैं इसको साफ नहीं कर पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था साफ करने का। अब्या नहीं मान रही है, क्यों अब्या क्यों फैला रही हूँ, मान जाओ बेटा। और हमारी नव्या पूछ रही है मम्मा कब बाजरे की रोटी बनाओगी, अच्छी लगती है आपको नव्या? अच्छी लगती है मुझे बाजरे की रोटी। और गेहूं की रोटी? गेहूं की रोटी भी अच्छी लगती है। सबसे अच्छी कौन सी रोटी लगती है? सबसे अच्छी बाजरा की रोटी। बाजरे की रोटी? हाँ। अभी क्या कर रही हो? अब तो सब बड़ी बड़ी लकड़ियां याद कर रही हूँ छोटे अनार। वो बाजरा की रोटी है वो अभी भी नहीं निकली, बहुत टाइट फंसी है। कहाँ पे? टीथ में ऊपर। नव्या बोल रही है मैंने उस दिन बाजरे की रोटी खाई थी तो मेरे टीथ में फंसी है अभी भी नहीं निकली। तो चलिए मैं यहाँ पे बाजरा साफ कर लेती हूँ और अभी टाइम हो गया है शाम के 5 बज गए हैं और उसके बाद साफ करने के बाद मैं इसको पिसवा लूँगी चक्की से अभी और शाम को बनाएंगे बाजरे की रोटी। और चलिए कर लेते हैं साफ, मिलेंगे आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बाजरा साफ़ कर रही हूँ और बाजरे को मैं थोड़ा सा ही पिसवाऊँगी क्योंकि ज़्यादा आटा पिसवाने से क्या होता है कि वो रखा हुआ कड़वा हो जाता है बाजरे का आटा। तो बस 3 से 4 केजी बाजरा मैंने साफ़ किया हुआ है और इसको पिसवा लेंगे अभी और उसके बाद थोड़ा सा बचा है तो नेक्स्ट टाइम पिसवा लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो सभी? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, एकदम मजे में होंगे। और अभी शाम के 6:30 बज गए हैं और मैं जा रही थी शाम के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मठे के आलू बनाए थे सुबह मैंने, चावल, रोटियां, और आपको दिखाया हुआ था क्या कुछ बनाया है मैंने। और अभी शाम को मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी। अभी मैंने बाजरा साफ़ किया हुआ था, उसमें लकड़ी वगैरह थी तो उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और अभी मैंने पिसवाने के लिए भेज दिया है चक्की पे, ये लेके गए हैं तो वो आ जाएंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ मैं इस वीडियो का एंड कर दूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है। और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये देख लीजिए मेरे बच्चों की हो रही है पढ़ाई, क्या याद कर रही हो? मैं 2 कर रही हूँ। टेबल? हाँ। अच्छा, 2 की टेबल याद कर रही हो। और अव्या क्या कर रही हो तुम? 4 की टेबल। किसकी? 4 की। 4 की टेबल। तो ये दोनों कर रही हैं पढ़ाई, टेबल लर्न कर रही हैं। और चलिए मैं कर लेती हूँ शाम के खाने पीने की तैयारी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कर लेती हूं। क्या हो गया तुम्हारी आवाज को? वो मैं बोल नहीं पा रही हूँ सही से। क्यों? क्योंकि थोड़ा मैंने सूख गया, गला सूख गया मेरा।
गला सूख गया, पानी पी लो। पानी अब यार ठीक हो गया। तो सभी से बाय कर लीजिए। बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।